आज महाराष्ट्र विधानसभा में खिलाड़ियों को दिया जाएगा सम्मान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुंबई में टीम इंडिया का बहुत हर्षोल्लास के साथ हुआ स्वागत। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पवार भी वानखेड़े स्टेडियम के बाहर नजर आए। उन्होंने कहा, हमने टीम इंडिया को शुक्रवार को विधानसभा में आमंत्रित किया है। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके से निकली टीम इंडिया की विक्ट्री परेड। एबीपी न्यूज की मेगा कवरेज, टॉप एंगल से फैंस से सैलाब के बीच जश्न मनाते टीम इंडिया के खिलाड़ियों को किया कैद। मुंबई पहुंचे चैंपियंस का, फैंस ने किया ग्रैंड वेलकम। मरीन ड्राइव पर उमड़ा सैलाब, मिलकर मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम से मरीन ड्राइव तक फैंस का सैलाब दिखाई दिया। विक्ट्री परेड रूट पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी थी। फैंस की भीड़ को कंट्रोल करने में छूटे सुरक्षा बलों के पसीने। मुंबई के मरीन ड्राइव पर टीम इंडिया की विक्ट्री परेड में लाखों की संख्या में जुटी भीड़। इसी दौरान वहां पर फंसी एम्बुलेंस के लिए फैंस ने रास्ता छोड़ा, एम्बुलेंस के लिए जगह भी बनाई। मुंबई पहुंची टीम इंडिया की जीत का जश्न का मेगा कवरेज। विक्ट्री परेड में शामिल एबीपी न्यूज की टीम विजय जुलूस में झूमते नाचते क्रिकेट प्रेमियों की तस्वीरें सामने आई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हाउसफुल सेलिब्रेशन देखने को मिला। फैन से खचाखच भरा स्टेडियम। फुल होने के बाद बंद हो गई स्टेडियम में एंट्री, भीड़ को अंदर जाने से रोकना पड़ा। विराट कोहली के लिए क्रिकेट प्रेमी की दीवानगी कैमरे में कैद हो गई। विराट की एक झलक पाने की तमन्ना लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंचा फैन। विराट से मुलाकात नहीं होने पर कोट-कोट कर रोने लगा। मुंबई में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड के दौरान बेहोश हुई युवती, पुलिस ने किया रेस्क्यू। सड़कों पर उमड़े हुजूम में कई लोग हुए बेहोश। मुंबई में टी20 विश्व चैंपियन बनी टीम इंडिया से स्वागत के लिए उमड़ी भारी भीड़। कई फैंस के छूटे जूते चप्पल, लेकिन बिना चिंता के विक्ट्री परेड में आगे बढ़ते रहे समर्थक। इंडिया को ले जा रहे विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर दी गई वाटर कैनन से सलामी। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने पर भारतीय टीम को सम्मान के तौर पर दिया गया वाटर कैनन सलामी। जांच आयोग ने हाथरस की घटना की जांच शुरू की। जांच आयोग के अध्यक्ष ब्रिजेश श्रीवास्तव का बयान, जरूरत पड़ी तो मौके से सबूत और पुलिस मीडिया कर्मियों के बयान भी दर्ज हुए। हाथरस हादसे के लेकर आयोजन कमेटी से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम। आरोपी घटना के बाद हो गए थे फरार। जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी पूछताछ। आईजी अलीगढ़ शलभ माथुर ने कहा कि हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई, सभी की पहचान हुई। मृतकों में 112 महिलाएं और 7 बच्चे भी शामिल। भोले बाबा के नाम से नहीं ली गई थी हाथरस में आयोजित कार्यक्रम की परमिशन। आईजी ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में खुलासा, सेवादारों ने घटना के वक्त वीडियो बना रहे लोगों से फोन छीनकर तोड़ दिए थे। बाबा के कार्यक्रम में फोन लाने की इजाजत नहीं। हाथरस में एक पेट्रोल पंप के पास से बाबा के गुजरने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। 2 जुलाई के दोपहर 1:23 की बताई जा रही तस्वीरें, सड़क किनारे खड़े बाबा के वॉलेंट। हाथरस में घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ढाबा के मालिक ने कहा कि सत्संग खत्म होने के बाद करीब 1:30 बजे निकला था बाबा का काफिला। सड़क पर चेन बनाकर खड़े थे बाबा के गांव। बाबा के काफिले में सबसे आगे थी करीब 12 बाइक, पर थी 10 से 12 कार। बाबा के निकलने के करीब 20 मिनट बाद निकली थी लोगों की। सत्संग के लिए 28-29 जून से पहुंचने लगे थे लोग। कुछ लोगों के लिए ही टेंट की व्यवस्था थी। खेतों और पेड़ों के नीचे सोकर कर रहे थे सत्संग के दिन का इंतजार। सूरजपाल उर्फ बाबा पर मैनपुरी आश्रम के आसपास के ग्रामीणों ने लगाए आरोप। एक गांव के लोगों ने कहा कि बाबा ढोंगी है, खुद को कहता है भगवान। भोले बाबा ने बना रखी है गोपिका, जल सेना और स्वागत सेना। एक लड़की ने कहा कि प्रवचनों में गोपिका बनकर बैठती थी। गोपिका सेना को कमेटी उपलब्ध कराती है लहंगा चुन्नी और गहने भी उपलब्ध कराती है।
पानी पिलाना और पानी में कोई जहर नहीं मिला दे, ये तय करना जल सेना का काम है। स्वागत सेना के पास स्वागत का जिम्मा, सभी पहनती थी गुलाबी ड्रेस, सभी को मिला था नेम प्लेट और आईडी कार्ड। बाबा दौसा के पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा के घर दरबार लगाता था, मौके से मिले बड़ी संख्या में महिलाओं के फॉर्म्स और उनके आधार कार्ड। फरुखाबाद में भोले बाबा ने कोरोना के दौरान भी किया था कार्यक्रम, दिसंबर 2021 में हुए कार्यक्रम में आए थे 50,000 श्रद्धालु, अव्यवस्था होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर सत्संग पर लगा दी। हाथरस हादसे के बाद कासगंज में बाबा के आश्रम में सन्नाटा, पटियाली में बहादुर नगर के इसी आश्रम से बाबा ने बढ़ाया साम्राज्य, करीब 50 बीघा जमीन में बना है आश्रम। कानपुर में बिधनू के करसुई आश्रम पर पुलिस पहुंची, सेवादारों से पूछताछ हुई, पुलिस की छानबीन के बाद आश्रम में लगा हुआ ताला, एक भी सेवादार मौजूद नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी बाबा का आश्रम सुंदरबल कस्बे में कई एकड़ में फैला है आश्रम, मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि बाबा की कोई गलती नहीं है, भागने की क्या जरूरत थी, जो गलत करेगा वो भोगेगा। ग्वालियर में भी बाबा का आलिशान आश्रम है, हाथरस हादसे के बाद पुलिस ने आश्रम में पहुंचकर जांच की, दीवार से मिटा दिया गया था बाबा का नाम, जबकि बैनर कपड़े से ढका मिला। हाथरस में हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रयागराज में हुआ यज्ञ और हवन, आश्रम में हुई श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में थे सेवादार और श्रद्धालु। हाथरस की घटना को लेकर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, कहा ऐसी जगह से लोगों को बचना चाहिए जहां अपने लोगों की सुरक्षा ना कर पाए। हाथरस घटना पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई साजिश है, सरकार सिर्फ असली मुद्दा छिपाना चाहती, जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती सरकार। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का अजीब बयान, कहा कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो हादसा है ना कि साजिश, हादसे होते रहते हैं, सरकार इस बारे में जांच कर रही है, गाइडलाइंस बनानी चाहिए। बाबा दोषी या नहीं इस पर बोलने से बचते रहे, घटना स्थल पर पहुंचे बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, कहा हाथरस में हुई घटना प्रशासन और सरकार की नाकामी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नामंजूर किया किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा, इस्तीफे पर अड़े किरोड़ी लाल मीणा, आज आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है बीजेपी नेतृत्व के साथ उनकी बैठक। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश के लिए सहयोग मांगा, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की मांग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से शिष्टाचार भेंट की, कहा आंध्र प्रदेश के विकास में हम हर संभव सहयोग करेंगे। यूपी की गाजीपुर सीट से एसपी सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी पर खतरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजर्व किया है फैसला, सजा हुई तो चली जाएगी सांसद। छत्तीसगढ़ के दौरे पर यूपी के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने राज्यपाल से मुलाकात की, बलौदाबाजार हिंसा मामले का संज्ञान लेने के लिए सौंपा ज्ञापन। 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हेमंत सरकार का फ्लोर टेस्ट, सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार को साबित करना होगा बहुमत। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन फिर बने झारखंड के सीएम, बुधवार को चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया, इंडिया गठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन को सीएम बनाने पर बनी थी सहमति। कांग्रेस से पुराने चेहरों को फिर से मंत्री बनने के सवाल पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इस पर हम अपने आलाकमान और प्रभारी से बात कर रहे हैं। बीजेपी ने लगाया आरोप, झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान, चंपई सोरेन के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी उनका सम्मान करती है और करती रहेगी। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा पूरा झारखंड यही चाहता था कि 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, हेमंत के नेतृत्व में महागठबंधन विधानसभा चुनाव लड़ेगा, इस्तीफे के लिए जाने से चंपई सोरेन नाराज नहीं। बिहार के छपरा में डबरा नदी पर बने पुल में आई दरार, इसी साल बनकर तैयार हुआ था पुल, कभी भी गिर सकता है मलाही नदी पर बना पुल। बीते 15 दिन में बिहार में टूटे 10 पुल, बारिश शुरू होते ही ध्वस्त होने की तेज हो गई रफ्तार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साजिश बताते हुए जांच की मांग। बिहार में सारण जिले के लहादपुर में गिरा एक और पुल, गंडकी नदी पर बना 100 साल पुराना पुल देखते ही देखते नदी में समा गया, ब्लॉक हेडक्वार्टर से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जो भी पुल गिर रहा है वो आरजेडी के शासनकाल में बने थे, तेजस्वी यादव के समय का था अगवानी पुल। बिहार में 24 घंटे में गिरे 6 पुल और पुलिया, जल संसाधन विभाग के एसीएस चैतन्य प्रसाद ने कहा दोषी इंजीनियर्स पर होगी कार्रवाई, संवेदक से वसूला जाएगा पुलों को बनाने का खर्च। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने पुल गिरने की घटना पर अजीबोगरीब बयान दिया, कहा मीडिया इसे ज्यादा कर रही प्रचार प्रसार। दिल्ली में सरकारी स्कूल के 5,000 शिक्षकों के तबादले को लेकर हंगामा शुरू, राज्यपाल के फैसले का आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया, एक ही स्कूल में 10 साल से काम कर रहे शिक्षकों के ट्रांसफर का आदेश। उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5,000 शिक्षकों का तबादला, मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने के निर्देश दिए। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर यूथ कांग्रेस का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की कर रहे थे मांग। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी की 3 सेमेस्टर की परीक्षाओं को बिना कारण बताए स्थगित करने पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, 4 जुलाई से 26 जुलाई तक होनी थी परीक्षा। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, सीबीआई ने धनबाद से अमन सिंह को किया गिरफ्तार, फरार आरोपी रॉकी का करीबी है अमन सिंह, संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जा रहा है अमन सिंह। नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द होने से रोकने के लिए गुजरात के 50 से ज्यादा सफल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग। सीबीआई केस में जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, आज सुनवाई होगी, केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से किया था गिरफ्तार। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड अब भी 8 जुलाई तक बढ़ी, सेंथिल बालाजी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की थी गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा को कोर्ट से भेजा गया समन, पॉक्सो अधिनियम के मामले में 15 जुलाई को पेश होने के निर्देश हैं, बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को जारी किया समन। भूतशाला के मामले में हाईकोर्ट का आदेश, एएसआई को सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का समय और दिया गया, अब आगामी 22 जुलाई को मामले की सुनवाई। सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा का मामला, सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। जोधपुर के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, आरोपी ने बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी पर किया था कुल्हाड़ी से वार, 2 बच्चों को पानी के टैंक में डुबोकर जान ली, बुजुर्ग महिला की भी हो गई थी मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, कई लोगों से पैसे लेकर रफू चक्कर हुई सरकारी स्कूल के शिक्षक, शिकायत के बावजूद शिक्षक पर कार्रवाई करने से कतरा रही है। अपनी मां के अंतिम संस्कार में पहुंचा गैंगस्टर काला जठेड़ी, दाह संस्कार के बाद काला जठेड़ी को वापस तिहाड़ जेल लाया गया, अंतिम संस्कार के लिए 6 घंटे की पेरोल पर आया था जठेड़ी। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, कई इलाकों में भारी बारिश से बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी, आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट किया। भूस्खलन और बारिश से हिमाचल प्रदेश की 115 सड़कें बाधित हो गई है, मंडी में 7 सड़कें बंद, चंबा में 4, सोलन में 3 और कांगड़ा जिले में 1 लिंक मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, मलबे में दबी हिमाचल रोडवेज की बसें और कई वाहन, बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मॉनसून की बारिश ने बढ़ाई राहगीरों की दिक्कतें, नेशनल हाईवे पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा, बाल बाल बचे कई वाहन चालक, बारिश की वजह से दरक रही पहाड़ी। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मुसीबत बन सकती है मॉनसून की बारिश, नैनीताल जिले में आज भारी बारिश का अलर्ट, एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूलों को किया गया बंद। भारी बारिश की वजह से देहरादून में जनजीवन प्रभावित हुआ, राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव, राजपुर रोड और इंदिरा मार्केट में सड़क पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। रेवाड़ी में भी भारी बारिश के बाद तालाब नजर आ रही है शहर की सड़कें, पानी की निकासी का सही इंतजाम न होने की वजह से सड़कों पर पानी भरा, दुकानों के आगे जलभराव की वजह से बढ़ी दुकानदारों की मुश्किल। देहरादून के गुच्छूपाली में भारी बारिश की वजह से बरसाती नदी में आया उफान, नदी पार फंसे 10 लोगों को एसटीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, रस्सी के सहारे कराई गई नदी पार।
राजस्थान के सीकर में बारिश से शहर पानी पानी हुआ। शहर की मुख्य सड़कों पर जल भराव, पानी के बीच से गुजर रही गाड़ियां, रास्तों पर पानी भरने से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के अलवर में भी मॉनसून की बारिश बनी मुसीबत। बाजार के अंदर कई फीट तक पानी, दुकानों के अंदर भी भारी बारिश का पानी भरा। दुकानें बंद करने को मजबूर हुए दुकानदार। शहर की सड़कों पर जल भरा। असम में मुसीबत बनकर बरस रही है मॉनसून की बारिश। बाढ़ की मार झेल रहे असम के 28 जिले। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ की वजह से। 12 लाख लोग प्रभावित। खतरे के निशान के पार आ चुके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे सीएम। बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी भी ली। लोगों की समस्याओं के बारे में बात। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। मोरी गांव में निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल। अधिकारियों को दिए प्रभावितों को जरूरी मदद पहुंचाने के निर्देश। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से आई बाढ़। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। 55,000 लोग प्रभावित। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट। प्रभावितों को बांटी जा रही है राहत। ओडिशा के कई इलाकों में भी मुसीबत लेकर आई मॉनसून की बारिश। भुवनेश्वर शहर में भारी बारिश की वजह से जल भराव। राजमहल चौराहे के पास सड़क बनी तालाब। आम जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई झमाझम बारिश। पारा गिरने से मौसम में आई ठंडक। मौसम सुहावना होने से श्रीनगर पहुंचने वाले पर्यटक खुश। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अभी भी चल रही है हीट वेव। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में छलांग लगाते नजर आ रहे लोग। गर्मी की वजह से बागवानी और कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है बुरा असर। गाजियाबाद के साहिबाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल में आग लगने की वजह से आग ने विकराल रूप लिया। आग बुझाने के दौरान 3 फायर कर्मी झुलसे। मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। बिहार के रोहतास में सोन नदी पर बन रहे पुल के पिलर में आई दरार। 210 करोड़ की लागत से बन रहा पुल। पिलर में दरार आने से करप्शन की आशंका। जांच के लिए पहुंचे राज्य पुल निगम के अधिकारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शहर में लगी गंदगी के ढेर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से नहीं हो रही साफ सफाई। कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। दफ्तर में कचरा फेंककर जुटाया। जम्मू शहर की सुरक्षा को लेकर लगाए गए 700 सीसीटीवी। आतंकी घटनाओं और वारदातों की होगी मॉनिटरिंग। तीसरी आंख की मदद से शहर की हर गतिविधि पर पुलिस की नजर होगी।